मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी सिंस 20 इयर्स। आज से हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं और इसकी प्रेरणा आप ही के क्वेश्चन से हमें मिली है, और वो सीरीज है प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस मंथ बाय मंथ। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेगनेंसी के पहले महीने में हमें कौन से एक्सरसाइज करने हैं। प्रेगनेंसी का पहला महीना ऐसा होता है कि वो हमें मालूम ही नहीं होता, क्योंकि प्रेगनेंसी जब डायग्नोस होती है वो एक महीना खत्म होने के बाद हमें पता चलता है। इसीलिए ये एक्सरसाइजेस आप सब ने करनी है जो कंसीव होना, प्रेग्नेंट होना चाहती है। हमारी एक धारणा रहती है कि जब हमें प्रेग्नेंट होना है तो आने वाली महावारी से 10 दिन पहले हमें रेस्ट करनी है, हमें बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करने हैं, लेकिन ये सरासर गलतफहमी है। हम प्रेगनेंसी से पहले जो एक्सरसाइजेस करते थे वो सारे एक्सरसाइजेस इनफैक्ट आप प्रेगनेंसी में भी कर सकते हो, लेकिन ये सब आपकी डॉक्टर की सलाह से और आपकी ऑब्स्टेट्रिक गायनिक जो फिजियोथेरेपिस्ट रहती है उनकी निगरानी में करनी है। तो आइए हम जानेंगे प्रेगनेंसी के पहले महीने में, यानी कि जब आप कंसीव करना चाहती हो तो आपको कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं। तो आज हम जानेंगे जानु शीर्षासन के बारे में, पश्चिमोत्तानासन के बारे में, विपरीत करनी के बारे में और सुप्त बद्धकोणासन के बारे में। तो आइए हम जानेंगे इन चार आसनों का क्या महत्व है। ये चार आसन करने से हमारे गर्भाशय और अंडाशय का रक्त प्रवाह बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे हमारा ओविलेशन यानी कि अंडे का बाहर आना और इम्प्लांटेशन यानी कि अपना भ्रूण का रोपण होना इजी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारे जो इनर थाइज रहते हैं, जांग रहती है, पेल्विक मसल्स रहते हैं, उनकी मांसपेशियां बहुत कठिन हो जाएगी, उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, हमारा बदन लचीला हो जाएगा और हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स की लेवल बहुत ही कम हो जाएगी। तो आइए हम जानेंगे इस एक्सरसाइज के बारे में, और ये एक्सरसाइजेस आपको डेमोन्स्ट्रेट करने वाली है, दिखाने वाली है, समझाने वाली है डॉक्टर पूजा, जो ANC यानी कि ऑब्स्टेट्रिक गायनिक फिजियोथेरेपिस्ट है और इनका इस विषय में 5 साल का एक्सपीरियंस है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा जैन, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम जो ये आसन करने वाले हैं, ये आपको सारे आसन या तो एम्प्टी स्टमक करना है यानी कि भूखे पेट करना है, या फिर कुछ भी खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही प्रैक्टिस करना है। ये सारे आसन आपको दिन में एक बार हर एक आसन को 2 से 3 मिनट तक के लिए परफॉर्म करना है या प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं जानु शीर्षासन। एक पैर को हम फोल्ड करेंगे, दूसरे को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। जितना हम झुक सकते हैं उतना झुकने के बाद धीरे धीरे बॉडी को ढीला छोड़ेंगे, एल्बो को टिकाने का कोशिश करेंगे फ्लोर पे और अपने सिर को नी पर टच करने का कोशिश करेंगे। बॉडी रिलैक्स छोड़ के ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहना है। देन वापिस दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाना है, बैक सीधा करना है, देन हाथों को पीछे से रोटेट करके हम लोग नीचे की तरफ रख देंगे। अब हम दूसरा आसन करने जा रहे हैं पश्चिमोत्तानासना, जिसको करने के लिए हमें दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, बॉडी स्ट्रेट करके दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, बॉडी को अगेन लूज छोड़ेंगे, एल्बो को फ्लोर पर टच करेंगे, नी को अपने हेड से टच रखेंगे, ब्रीदिंग ब्रीद आउट करना है, बॉडी रिलैक्स छोड़ना है, अगेन दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, बैक सीधा रखेंगे, दोनों नी सीधे रखेंगे, हाथों को पीछे से रोटेट करके नीचे लाकर रखना है। अब थर्ड वाला हम कर रहे हैं आसन विपरीत करनी, जिसके लिए हमें अपने साइड से लेटना है, पूरा बॉडी को एक साथ रोटेट करके हम सीधे लेट जाएंगे। अब हमें दोनों पैरों को सीधा रखना है, बैक को रिलैक्स छोड़ना है, दोनों पैरों को सीधे करने के बाद दोनों फुट को टच करके नी को फोल्ड करना है और अपने नी को फैला देना है जैसे हम बटरफ्लाई में रखते हैं, और दोनों हाथों को साइड में रिलैक्स छोड़ देना है।
इस आसन को करते वक्त बॉडी रिलैक्स छोड़ना है, ब्रीदिंग ब्रीद आउट करना है, पैरों को जबरदस्ती नीचे झुकाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे ऐसे नहीं बनता है तो हम इसको दूसरे तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं। हम साइड से लेटेंगे, अगेन बॉडी सीधी रखेंगे, बैक रिलैक्स छोड़ेंगे, दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, देन उसके बाद दोनों फुट को टच करते हुए नी बेंड करेंगे, देन अगेन पैरों को रिलैक्स छोड़ना है। और अब हम किसी पिलो या ब्लॉक के सपोर्ट से हम अपने नी को टिका कर रखेंगे, जिससे हमें ज्यादा प्रेशर ना लगे और बॉडी एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। सिर्फ ब्रीदिंग ब्रीद आउट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बॉडी और नी हमारा एकदम रिलैक्स रहना चाहिए। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रीदिंग, देन दोनों पैरों को साथ मिलाएंगे। अब जब भी आपको उठना रहे तो याद रखे आपको साइड करवट होके ही उठना है। अब हम करने जा रहे हैं चौथा आसन, जिसका नाम है सुप्तबद्ध कोणासना। उसको करने के लिए हमें एक वॉल के सपोर्ट की जरूरत होगी। वॉल के सपोर्ट के लिए हम वॉल की तरफ अच्छे से खसक जाएंगे, देन उसके बाद में अपने दोनों पैरों को वॉल के ऊपर टिकाएंगे और बैक से लेट जाएंगे। अगर आपको दिक्कत होती है, बैक में दर्द लगता है, तो आपको अगर इस तरह से कंफर्ट नहीं लगे तो आप एक ब्लॉक को अपने हिप के नीचे रख सकती हो। तकलीफ नहीं है तो आप नॉर्मल विदाउट ब्लॉक भी रह सकते हैं। अगर बैक में दर्द लगता है तो आप ब्लॉक रख के या फिर पिलो या फिर टॉवल का रोल रख सकते हैं। दोनों पैरों को सीधे छोड़ के बॉडी एकदम रिलैक्स छोड़ दें, ब्रीदिंग ब्रीद आउट नॉर्मल करें, अपने पंजों को अपनी तरफ थोड़ा खींचने की कोशिश करें, उससे आपको रिलैक्स भी लगेगा। अगर ज़्यादा देर आप इस तरह से नहीं रह सकती हैं, दोनों नी फोल्ड करना और जब भी आपको उठना है तो पूरा बॉडी को साइड रोल करना, फुट को वॉल पर ड्रैग करना, देन साइड से आपको बैठ जाना है। इस वीडियो में हमने डॉक्टर पूजा से जान लिया कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं, वो कब करने हैं, कैसे करने हैं, कितनी बार करने हैं, और मैंने पहले ही इसका इम्पोर्टेंस आपको बता दिया है। तो प्रेगनेंसी के पहले महीने में जो हम जानते नहीं हैं, इसीलिए जो कंसीव होना चाहती है, उन सब ने ये एक्सरसाइजेस फॉलो करने हैं। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए, और हमारी ये सीरीज़ प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस मंथ बाय मंथ जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।